चुनाव में प्रत्याशियों के जमानत जब्त होने पर क्या होता है? आखिर कब हो जाती है किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त? कई बार चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको ये सुनने को मिलता होगा कि फला फला उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद से एक चीज तो साफ है कि उस उम्मीदवार की चुनाव में करारी हार हुई है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जमानत जब्त होना होता क्या है। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर कब किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। दरअसल नियम के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के सामने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। अगर नतीजे आने पर वो प्रत्याशी निश्चित मत फीसदी नहीं हासिल करता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक नामांकन दाखिल करने के समय हर उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एक रियायत मिलती है। उन्हें जमा के रूप में केवल आधी राशि यानी 12 रुपए का भुगतान लोकसभा चुनाव के लिए करना होता है। वहीं विधानसभा चुनाव में ये जमानत राशि जनरल कैटेगरी के प्रत्याशियों के लिए 10,000 रुपए और SC/ST के लिए 5,000 रुपए है। सुरक्षा जमा राशि नामांकन के पहले सेट को दाखिल करते समय या उससे पहले किया जाना चाहिए। लेकिन कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता और जिस सीट से वो लड़ रहा है वहाँ मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक मत हासिल करने में असफल होता है तब चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि को जब्त कर लेती है। वो राशि चुनाव आयोग की हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी सीट पर 1,00,000 वोटिंग हुई है तो जमानत बचाने के लिए हर प्रत्याशी को छठे भाग से अधिक यानी करीब 16,666 वोटों से अधिक वोट हासिल करना होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।